हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ और अभी मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने नैनीहाल और मेरा नैनीहाल पड़ता है बेरीनाग में। इससे पहले ही मैंने वहाँ का ब्लॉग बनाया, बहुत पहले एक दो साल हो गए हैं शायद। तो आज फिर से मैं जा रही हूँ और मेरी वहाँ पे एक दीदी भी रहती है, मामी लोग तो रहते ही रहते हैं वहाँ पे, मेरी एक दीदी भी रहती है। तो वहाँ मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरा एक नया सॉन्ग आने वाला है, उसका शूट है, एल्बम वीडियो है, तो उसके शूट के लिए हम लोग जा रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इन्जॉय करेंगे और वहाँ पे मेरी मामी लोग को पता भी नहीं है मैं आने वाली हूँ, तो उनको एक सरप्राइज टाइप का मिलेगा, देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होगा। वैसे मैंने मम्मी को बोला है मत बताना, पता नहीं मम्मी ने बताया कि नहीं, बट देखेंगे उनका रिएक्शन कैसा है। वहाँ पे नानी और मेरी मामी सभी लोग होंगे। तो फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ और 1 बजे की मेरी गाड़ी है, दिन के 1 बजे की, और वो हमें पहुँचा देंगे कम से कम 4 या 5 बजे के टाइम पे, शाम के टाइम पे। तो अभी चलते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना है। मैं एक्साइटमेंट में इतना उल्टा उल्टा भी बोल दे रही हूँ, उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। तो अभी चलते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि हम रास्ते में कहाँ रुकते हैं और रास्ता कैसा है, कौन सी गाड़ी है, तो आप बने रहिए। तो अभी मैं जस्ट जा ही रही थी और यहाँ पे बेबी लोग रहते हैं, बेबी को आप लोग जानते होंगे, आपने पहले भी व्लॉग में देखा होगा। तो ये विष्णु है और वो शिवानी है। तो अभी इसका हाथ पता नहीं कैसे दब गया था, चोट दिखाती नहीं हूँ मैं आप लोगों को, तो इसका हाथ अभी दरवाजे में दब गया था, तो वर्षा उसके बैंडेज वगैरह लगा रही है और ये सेवलॉन वगैरह जो भी है। तो अभी गाड़ी वाले का भी फोन हमें आ गया है, चलते हैं हम लोग। तो फाइनली मैं जाने लग गई हूँ और ये देखो विष्णु और शिवानी मेरे साथ आ रहे हैं और वर्षा भी आ रही है मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा है। ये देखो, चलो बाद में दिखाऊंगी, ऐसे दिखानी होगा। देखो दोस्तों, पहाड़ों में ट्रॉली बैग्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं लेकर ही नहीं जा सकती, इसके टायर काम ही नहीं करेंगे। देखो रास्ता कैसा है, पूरा इसको उठा के ही लेकर जाना पड़ेगा हमें। कितने भी फैशनेबल हो जाओ तुम, यहाँ झोले वाला बैग लेके आओगे तभी तुम्हें कंफर्टेबल होगा, वरना मेरी तरह अटक जाओगे। अब देखते हैं, बहुत ज़्यादा भारी है क्योंकि बहुत सामान है इसमें, देखते हैं उठाने की कोशिश करते हैं। चल, ये देखो मेरी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। मैं खाली आज जा रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जा रही हूँ ना, तो इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। दीदी देखो, बताओ उधर से पकड़ो, ये ऊपर से कोई खींचेगा वहाँ से। बस यार इतना दिमाग मत लगा प्लीज, दिमाग मत लगा। खाना मुझसे भी नहीं हो पाएगा। मैं तो आपका रिएक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ, सरप्राइज कैसा लगा आपको? चलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरी बेरीनाग में दूसरी सुबह मतलब दूसरा दिन है। कल रात मैं पहुंची थी शाम को, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मैंने मामी का रिएक्शन आपको दिखाया था, नानी घर पे नहीं है, नानी गई है जनेऊ में। तो आज मेरा दूसरा दिन है और मामी अभी दूध लेने के लिए गई हुई है, थोड़ा बिजी है कामों में। तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ नाश्ता उनके लिए भी, मेरे लिए भी। मामा मेरे टीचर है तो वो चले गए अपने स्कूल, तो अभी हम नाश्ता बनाते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, अभी मैं लेट ही उठी थी क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई थी, तो इसलिए मुझे उठाया भी नहीं मामी लोगों ने। तो अभी हम बनाते हैं नाश्ता और मैं बना रही हूँ चाय और मैगी और पराठे और सब्जी है गोभी की, तो आओ साथ में बनाते हैं। तो चाय मैंने रख दी है चढ़ाने के लिए और अब मैं बना रही हूँ मैगी, उसके लिए प्याज टमाटर काट रही हूँ। तो सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें भी कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया ना व्लॉग आया ना वीडियोस आई, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। 2022 मेरी लाइफ का सबसे बेकार साल था, सबसे बेकार आज तक का, और अब देखते हैं 2023 कैसा जाता है। मैं यहाँ पे शूट करने के लिए आई हूँ, वैसे मुझे पिंपल्स नहीं होते, मुझे दाने नहीं होते, पर जिस दिन मैं यहाँ शूट करने के लिए आने वाली थी, मतलब कल,
कल ही कल मैं जब मैं सुबह उठी इतने सारे पिंपल्स, ये आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे मतलब पूरे फेस पे पिंपल ही पिंपल उठ के आ गए। तो मतलब ना दानों को पहले पता चल जाता है कि भाई शूट है, उग जाओ। तो अभी प्याज काट रहे और मेरी मामी रहती है इधर और दीदी भी इधर ही रहती है जिनके घर पे शूट होने वाला है, जिनके घर पे हमने प्लान किया कि हम शूट करेंगे। तो बेरीनाग से नीचे गुईर एक गांव पड़ता है, उधर पे मैं जाने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में, 11 बजे का टाइम है। तो फटाफट नाश्ता करते हैं, मामी को भी देते हैं और फिर चलेंगे हम अपनी दीदी के घर। दो दिन मेरा स्टे वहीं होगा। इस वाले शूट के बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, वो भी मेरे चैनल से, एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है मेरे चैनल से। मैं इसके बाद सीधा हमें उसी के शूट के लिए निकलना है। वो शूट होने वाला है हमारा चंपावत में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए भी, और उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं भी नहीं बताऊँगी उसे कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका टाइटल क्या होगा, वो शॉर्ट फिल्म में क्या है, क्या सब कुछ आपको बाद में पता चलेगा। व्लॉग वगैरह आते रहेंगे अब रेगुलर। तो ये देखो दोस्तों, आप लोग को मैं माल्टे के पेड़ दिखाती हूँ। पिथौरागढ़ में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ऐसे माल्टे के पेड़ या किसी ऐसे फल के पेड़ होते नहीं है जो हमें मतलब कि देखने के लिए मिलता है। माल्टे खरीदने पड़ते हैं या कोई बेचने आता है तो हम उनसे खरीद के खाते हैं। बट मेरी मामी लोग के वहाँ यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे पेड़ हो रहे हैं। अब तो माल्टे का सीज़न जाने वाला है, फिर भी इसमें इतने सारे माल्टे हैं, और एक तोड़ते हैं और फिर खा के बताऊँगी मैं आपको कि कैसा है, ठीक है, कौन सा तोड़े। पर मुझे ऊपर ऊपर का खाना है, ये वाला इतना लाल लाल नहीं लग रहा, ये वाला नहीं तोड़ सकते, ऊपर का तोड़ते हैं कोई। ये देखो, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए, एक हाथ से माल्टा तोड़ रही हूँ। हाय, कांटा बहुत बड़ा, बड़े बड़े कांटे हैं यार पूरे पेड़ में। ये सबसे प्यारा दाना लग रहा है, सबसे बड़ा बड़ा, इसको तोड़ते हैं। हाँ, बस कांटा ना चुभे। तोड़ दिया फाइनली हमने, अपने लिए माल्टा तोड़ ही लिया। घर का है? अरे अच्छा दिख नहीं रहा है। भैया ओके, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, ठीक है, कल मिलते हैं, प्रणाम। हाँ, हम लोग जंगलों में लाइनें लगा रहे हैं गाइस आज। अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है, देख सकते हो आप लोग, लाइट धूप चली गई है। इन लोगों को भी दिखाओ, ये जो नहीं आ रहे कैमरे में, एक ये और दो वहां है छुपे हुए, जो पता नहीं कैमरे में उनसे डर रहे हैं। चलो हम अभी शूट करते हैं, फिर मिलेंगे, बाय। भाई हो रहा है मेरे को, मारो जाऊंगी। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग मेरी दीदी के वहां पहुंच गए हैं, जहां मुझे मामी के वहां से जाना था, जहां कल से शूट हमारा शुरू है, स्टार्ट होने वाला है। गुईर है गांव का नाम। तो अभी वहां भी नाक से नीचे को पड़ता है, तो अभी मैं फाइनली वहां पे पहुंच गई हूँ। आने के बाद मैंने सोचा कि एक शूट कर लेती हूँ चाहा को होटल खोलूलो वाले सॉन्ग पे, अपने चैनल के लिए, मतलब नॉर्मल जो मैं डांस करती हूँ वो। बट मैं पूरा रेडी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन लास्ट में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वीडियो बन ही नहीं पाई, फट जा रही थी वीडियो क्योंकि अंधेरा हो गया था। मैं शाम ही को पहुंची, उसके बाद भी मैं रेडी हो गई थी, बट ये होने के बाद भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो फिलहाल अभी अब हमारा कल से शूट स्टार्ट है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो खाना वाना बनाते हैं, देन उसके बाद मैं सीधे सोने चले जाऊँगी। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है क्योंकि इतना ट्रैवल, फिर उसके बाद इतना सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया मेरे लिए। तो आप लोग मिस अभी भी मत करना, बिल्कुल पूरा पूरा व्लॉग देख के जाना और कमेंट में बताना आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, कौन अच्छा लगा, कैसा लगा। तो अभी मिलता है। आए आए गाँव के मज़े देखो, ये मेरे मामा हैं और दूसरे वाले मामा, और ये जतिन, ये सरिता दी का बेटा, और ये शिवानी दी, ये वीडियो बना रही हूँ मैं। हेलो करो, हेलो कर दो ऐसे, हाय। क्यों नहीं बनाते हैं आप? बुड्ढे गाँव हो वैसे भी, अभी मामा हूँ आप। और एक चाची बना रही हैं, वैसे वो भी दीदी नहीं, छोटी वाली दीदी बना रही है रोटी।
बुढ़े मामा नहीं है, जवान मामा है। और ये गांव के मजे हैं, देखो कैसे आग सेक रहा है मंदिर ही अंदर, खाना भी बन रहा है, मजा आ रहा है मुझे तो। ला गई, क्या लाई है?